हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अभी क्लासेस में। और एनसीईआरटी वीडियो सीरीज जो मैं आप सबों के लिए प्रारंभ किया था उसका अगला वीडियो लेकर आया हूँ। यह जो अगला वीडियो है वो क्लास सिक्स के हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है आरंभिक किसान और चरवाहे। इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, इस चैप्टर का पूरा लक्ष्य है कि ऋषि के बारे में समझाना और साथ ही साथ पशुपालन के बारे में समझाना। यानी पहली बार कृषि कहाँ पर हुई थी, पहला बार जो पशुपालन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, ऐसे ढेरों सवाल जो है पशुपालन और कृषि से जुड़ा हुआ है। पशुपालन की शुरुआत कब कैसे हुई, तो ऐसे आपके मन में भी सवाल आता होगा कि पहली बार कृषि कैसे हुआ होगा और पहली बार पशुपालन कैसे हुआ होगा, पहली बार कौन सा जानवर को पाला गया होगा और कौन सा ऐसा फसल था जो पहली बार तैयार किया गया है। ऐसे अनेकों सवाल का जवाब इस चैप्टर में दिया गया है, तो आइए उन सभी सवालों का जवाब हम लोग समझते हैं। आइए हम लोग चैप्टर पर आ चुके हैं और चैप्टर जो है तीसरा चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम आरंभिक किसान और चरवाहे। तो जैसा कि मैंने आप सबों से सवाल किया वैसा ही सवाल यहाँ पर देख सकते हैं। साक्ष जो है वो पूछ रहा है, साक्ष जो है वो अपने नानी का घर गया है और नानी जो है इसको चावल खाने के लिए देती है, दाल खाने के लिए देती है और सब्जी भी खाने के लिए देती है। परंतु ये गुस्सा हो जाता है और ये बोलता है, वो उदास है और बोलता है कि मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। तभी उसकी नानी उसे समझाती है कि किसान बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तब जाके अनाज जो है वो पैदा होता है। अब साक्ष्य एक सवाल करता है, ये सवाल करता है कि किसान ने आखिरकार कब से अनाजों का उत्पादन प्रारंभ किया, किसान कब से अनाज उगा रहे हैं। और तब नानी सोचती है कि चलिए इन्हें प्राचीन काल का कहानी सुना जाए और यहाँ पर उसी की कहानी दिया गया है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आज जो भी कृषि का रूप है, जो भी पशुपालन का रूप है, कहीं भी आप देख सकते हैं कि पशुओं को पाला जा रहा है, कोई गाय को पाल रहा है, कोई भेड़ को पाल रहा है, कोई बकरी को पाल रहा है, कोई याक को पाल रहा है, ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जिसे हम पालते हैं। अब कृषि में तो आप जान ही रहे हैं कि बहुत सारे फसलों का उत्पादन, आज तरह तरह के नए फसलों का उत्पादन हो रहा है, जैसे चावल, दाल, गेहूँ, मक्का, जौ, बाजरा और आलू, ये सारे जो है तरह तरह के फसल है। इसके अलावा हम मसाले और तरह तरह के सब्जियां और फल, इन सभी चीज़ों का कृषि करते हैं। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, हम अपना कृषि कर सकते हैं। लेकिन क्या ये शुरू से ही ऐसा था, बोलेंगे नहीं, ये हमेशा से ही ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इसमें बहुत सारे परिवर्तन आए। मनुष्य जो है जब ये धरती पर आया था, जिसको कहते हैं कि उत्पत्ति काल, जब ये धरती पर आया तो बहुत लंबे समय तक केवल और केवल शिकार करते रहे। ऐसा कहा जाता है कि लगभग मानव जो है आज से 20 लाख साल पहले आए हैं और 20 लाख से लेकर के 10,000 साल तक, 20 लाख साल से लेकर के 10,000 साल तक, आप समझ सकते हैं कितना लंबा टाइम पीरियड है। 20 लाख से 10 लाख, फिर 8, 7, फिर लाख के बाद हजार में आएगा। तो इस प्रकार से आज से 20 लाख पहले जाइए और 20 लाख साल पहले से फिर वापस आइए आप धीरे धीरे करके, और कहाँ तक आना है, 10,000 साल तक आना है। तब तक मानव कृषि नहीं करता था। अब आपके मन में सवाल होगा कि मानव खाता था कैसे, भोजन क्या करता था, तो वे अपने भोजन के और जीवन यापन के लिए, जिंदा रहने के लिए जंगली जानवरों को मारना तथा जंगलों से कंदमूल इकट्ठा करना ही उनके जीवन का लक्ष्य था। यानी वो केवल और केवल जानवरों का शिकार करते थे और जानवरों का शिकार करके उनका मांस खाया करते थे और साथ ही साथ जंगलों में जो भी मौजूद था कंदमूल यानी फल वगैरह, उसे ही इकट्ठा करके वो भोजन का यापन करते थे। अब चूंकि जानवरों को कोई भी मानव अकेले नहीं मार सकता है, इसलिए वो हमेशा झुंड में रहा करते थे, एक ग्रुप बना के रहते थे और इस ग्रुप में पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चे हो, सभी को शामिल किया जाता था। ऐसा नहीं था कि स्त्री को शामिल नहीं किया जाएगा, बच्चों को शामिल नहीं किया जाएगा, सभी को ही मिल करके जानवरों का शिकार किया करते थे। चाहे वो जानवरों का शिकार करने का काम हो या फलों को इकट्ठा करने का काम हो, सभी मिल करके करते थे। चूंकि ये एक तरह का शिकारी का काम करते थे और खाद को संग्रह करते थे, संग्रह का मतलब होता है जमा करना, इसीलिए इतिहासकार ने ऐसे लोगों को या तो आखेटक कहा है या तो खाद संग्रह कहा गया है। अब इनका जीवन ऐसा वाला जो मैं बता रहा हूँ अभी, कैसा वाला, ये खाद संग्रह करने वाला जीवन, ये केवल 10,000 साल तक चला। यानी 20 लाख साल से 10,000 वर्ष तक चला। इसके बाद इन्होंने कृषि करना सीख लिया और फिर इन्होंने पशुपालन करना सीख लिया। जानवरों को अब पकड़ना नहीं पड़ता है, वे उसे पालते हैं, और फिर कृषि करना भी वो सीख चुके हैं। अब अनाजों के लिए भटकना नहीं पड़ता है, अनाजों को वो उगाने के लिए सीख चुके हैं। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे बहुत सारे फायदे हुए। अब जो जानवर जो था
वह मांस के रूप में इसका कभी भी प्रयोग किया जा सकता है और कृषि या कहीं भी उगाया जा सकता था। इससे लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना नहीं पड़ा, धीरे धीरे एक ही जगह पर रहने लगे और धीरे धीरे बसने लगे, और बसने से क्या बन गया, बसने से बन गया बस्ती, और बस्ती से शहर गाँव। आज देख सकते हैं कितना तरक्की हम लोग कर चुके हैं। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं कृषि की शुरुआत से। सबसे पहले कृषि किस प्रकार से हुआ, देखिए पहला जो चैप्टर अभी हम लोग पढ़े थे, इसके पहले दूसरा चैप्टर पढ़े थे, उसमें मैंने बताया था कि जलवायु जो है वो बदलने लगा था। जलवायु परिवर्तन से क्या होता है, घास के मैदान जो है वो बनने लगे थे, बहुत सारे घास बने थे। अब घास क्या है, घास एक प्रकार का प्राकृतिक वनस्पति है। प्राकृतिक वनस्पति उस वनस्पति को कहते हैं जो मानव के बिना हाथ लगाए ही उग जाता है। यानी आप समझिए कि आपके आसपास वैसे पेड़ पौधे जिसको आपने नहीं उगाया है लेकिन फिर भी वो उग गए हैं, ऐसे जो पेड़ पौधे हैं उसे हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। तो जलवायु बदल रहा था, जलवायु के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव हो रहा था। इस क्रम में मानवों ने देखा होगा, ऐसा नहीं बोल रहे कि सच में देखा ही है, मानवों ने देखा होगा, क्या देखा होगा कि कुछ पौधे ऐसे हैं जो पकने के बाद उसके बीज जो है वो गिर जाते हैं, जो डंडल है ना डंडल से टूट करके नीचे गिर जाते हैं, तथा कुछ समय के बाद इन बीजों से अंकुरण के पश्चात नए पौधे उग आते हैं। यानी आप ये समझिए कि ये एक पौधा है और पौधे में बीज आ चुका है और जितने भी बीज हैं वो पक चुके हैं, और पकने के बाद वो क्या हो रहा है, टूट के नीचे गिर रहा है, और जैसे ही नीचे गिर रहा है तो कुछ समय के बाद इसमें अंकुरण हो रहा है और इससे फिर से नया पौधा उग रहा है। और ऐसा इन्होंने बहुत बार देखा होगा, और उनको पहली बार जब देखा होगा तब तो वो एकदम चकरा गए, यानी कि कौतूहल लग गए। कौतूहल का मतलब होता है पूरी तरह से चकित हो गया कि ये कैसे हो गया, उनके लिए कौतूहल से कम नहीं था। लेकिन कालांतर उसके बाद उन्होंने इन बीजों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, यानी एकत्र करना शुरू कर दिया। वर्षा के दिनों में अपने गुफाओं के समीप बुआई कर दिया, जब वर्षा का समय आया तो उन्होंने उसे बो दिया, उसका देखभाल करना शुरू कर दिया ताकि वो पौधे बढ़ सके, उसके बीज पक सके, और इस प्रकार धीरे धीरे वो क्या बन गए, किसान बन गए, और उन्होंने कृषि करना सीख लिया। तो सबसे पहले वर्षा पर निर्भर होकर उन्होंने कृषि करना शुरू किया, और उनके लिए बहुत ही अच्छा मन लगने वाला काम था। अब ऐसा समझिए कि पहली बार जब बच्चा साइकिल चलाने के लिए सीखता है ना तो पूरा मन लगा के धूप रहे बरसात रहे साइकिल चलाते रहता है। उसी प्रकार से किसान जो पहले बार गुफा में रह रहा है, ठीक है, जो पहली बार गुफा में रह रहा तो वो गुफा में देख रहा है कि पेड़ पौधे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, तो बहुत ही मन लगा के उन्होंने कृषि किया। कृषि की शुरुआत हो गई इस प्रकार से, जैसा कि कहानी मैंने आपको बताया। कृषि की शुरुआत से उनका जीवन जो है बहुत ही बदलाव आ गया। बीज बोने से फसल तैयार होने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, समय लगता है, हम सभी जानते हैं। अब इस समय तक उसकी देखभाल करनी पड़ती है, यानी जब तक जो है भोजन तैयार नहीं हो जाएगा, फसल तैयार नहीं हो जाएगा, तब तक उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। यही कारण है कि अब वो एक ही स्थान पर रहने का विचार करने लगे, यानी कृषि की शुरुआत जो है उनको एक जगह पर बसाने लगे, और यह कब हो रहा था, नवपाषाण काल में। तो पहला सवाल का जवाब हमें मिल गया कि कृषि का शुरुआत किस काल में हुआ है, तो इसका जवाब होगा कृषि का शुरुआत नवपाषाण काल में हुआ था। अब कृषि की शुरुआत हो गई, हमने कृषि भी उगा लिया, अब आता है पशुपालन। पशुपालन के विषय में जानते हैं, पशुपालन का मतलब होता है जानवर। अब कहा जाता है कि शुरुआती दौर में जो मनुष्य वो किसी न किसी जानवर को पालेंगे ही, तो कहता है कि खाने वाले जानवरों की संख्या भी बढ़ेगी। जैसे कि घास अगर बढ़ रहा है जलवायु परिवर्तन से, तो घास खाने वाले जानवर भी क्या होने लगे हैं, बढ़ने लगेंगे, इसकी संख्या भी बढ़ रही थी। ये जानवर लोगों से भय खाते थे, यानी लोगों से डरते थे जितने भी लोग थे, चूँकि जानवर जो है वो थोड़ा छोटा है और मनुष्य थोड़ा उसे क्या है, बड़ा है, तो मनुष्य को देख करके जानवर क्या हो जाते थे, डर जाते थे। वे एक झुंड में रहा करते थे जानवर, और ऐसा हुआ होगा, यानी हो सकता है कि कुछ ऐसा हुआ होगा कि आदि मानव जो है वो अपने घर के आसपास चारा रख करके, चारा मतलब होता है जानवरों का भोजन, रख करके इन जानवरों को आकर्षित करते होंगे। आकर्षित करने मतलब जैसा जानते हैं आप एक बकरी को चारा दीजिएगा तो वो आपके घर पर आ जाएगा, एक गाय को चारा दीजिएगा वो आपके दरवाजे पर आ जाएगा, और अगर आप बार बार चारा दीजिएगा तो वो जानवर आपके दरवाजे पर बार बार आएगा। आप ये याद रखिए, जानवर का ये गुण है
तो क्या होगा, उन्होंने चारा दिया, खाना दिया, एक दिन दिया, दो दिन दिया, वो आकर्षित हो गए और धीरे धीरे ये जानवर जो है मानवों से परिचित होने लगे होंगे, यानी कि धीरे धीरे इन आदि मानवों ने जो जानवर है उन्होंने आदि मानव को पहचानना शुरू कर दिया। जब इन्होंने आदि मानव को पहचान लिया तो मानवों ने इन जानवरों को पालतू बनाना सीख लिया। अब आता है कि सबसे पहले कौन सा जानवर को पालतू बनाया गया होगा, तो यहाँ पर जवाब है सबसे पहले जंगली कुत्ता को पालतू बनाया गया। अब इसका कारण दीजिए, क्या कारण है, तो इसका इतिहासकार कारण देते हैं कि जो कुत्ता है ना उसका एक गुण है, वो क्या करता है मनुष्य के आगे पीछे घूमता है, तो ऐसा माना जाता है कि कुत्ता के पास सूंघने का बहुत ज़्यादा शक्ति है। तो उस समय आदि मानव खाते थे मांस, अब मांस खाने के चक्कर में जो कुत्ता है जब जो बचा खुचा हड्डी है या मांस है क्योंकि वो छोड़ देते होंगे आदि मानव, तो कुत्ता उसको खाता होगा उस मांस को, और धीरे धीरे कुत्ता जो है वो मानवों के पास रहने लगे होंगे कि आदि मानव जो है मांस को छोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे खा लेंगे। इस प्रकार से कुत्ता और मानव के बीच में परिचय हो गया होगा और कुत्ता को लग रहा होगा कि आदि मानव हमें कुछ नहीं करता है, हमें नहीं मारता पीटता है, और आदि मानव को भी लग रहा होगा कि कुत्ता भी जो है वो हमें कुछ नहीं करता है, और ऐसे धीरे 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 दोनों परिचित हो गए होंगे और इस प्रकार से कुत्ता को पालतू जानवर बना लिया होगा। अब बोलेंगे कि आदि मानव कुत्ता को भी तो खा सकता है, लेकिन उस समय ऐसा इतिहासकार मानते हैं कि जो कुत्ता है उसका यूज वो लोग करते थे इसीलिए क्योंकि कुत्ता को सूंघने की शक्ति है, तो वो जानवरों से परिचय करवा देते थे कि जानवर आने वाला है, इससे पहले कि आदि मानव को पता चला उससे पहले जानवर को कुत्ता को पता चल जाता था, तो इसीलिए वो कुत्ता को नहीं मारते होंगे और वो कुत्ते को साथ में रखते होंगे क्योंकि वो उसको सचेत करते होंगे, सावधान करते होंगे, तो इसीलिए सबसे पहला जानवर जिसे पालतू बनाया गया वो कौन था, कुत्ता। उसके बाद धीरे धीरे आदि मानवों ने बाकी जानवरों को जैसे कि गाय को पालतू बनाया गया, भेड़ को, बैल को, गाय और बैल, भेड़, बकरी, सुअर, इन सभी जानवरों को वो पालने लगे, और ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पशुपालन शुरू कर दिया वह पशुपालक कहलाने लगे। पशुपालन से भी उनके जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। अब और जो भोजन, भोजन के रूप में वो जानवरों से क्या करने लगे, दूध भी प्राप्त करने लगे और साथ ही साथ मांस भी प्राप्त कर सकते थे। तो अब से देख सकते हैं कि भोजन अब कृषि भी हो चुका है और दूध और मांस का भी इंतजाम हो चुका है। जानवर जो था वो चलते फिरते भोजन के भंडार थे। चलते फिरते भोजन के भंडार से क्या फ़ायदा है कि अगर आदि मानव कहीं दूर भी जा रहा है, किसी कारणवश से उसे अपने स्थान को छोड़ना पड़ा, तो वो पालतू जानवर को लेके भाग सकते थे। फसल को लेके नहीं भाग सकते क्योंकि फसल तो जमीन में लगा हुआ है, तो फसल को लेकर के नहीं भाग सकते थे, लेकिन जानवरों को लेकर के भाग सकते थे। ऐसे में ये इनके लिए बहुत ही फायदे वाला काम हो गया था। बुर्जहोम जगह का नाम है, आगे आपको मैप में हम दिखा देंगे बुर्जहोम कहाँ है। बुर्जहोम से प्राप्त कब्र, जो कब्र मिला जहाँ पर जो मानवों को दफनाया गया होगा, वहाँ पर पालतू कुत्तों को, कुत्ते को मालिक के साथ दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। तो बुर्जहोम में जो सबसे पुराना मानव कंकाल मिला है उसमें पालतू जानवरों को भी साथ में दफनाया गया है, तो इससे ये साबित होता है कि उस समय जो जानवर, जो आदि मानव थे, उन्होंने पशुओं को पालना शुरू किया और सबसे पहले किसको, कुत्ते को पालना शुरू किया। अब आता है जानवरों से भोजन के अलावा और क्या क्या प्राप्त होता रहा होगा। अब देखिए उस समय तो मांस प्राप्त हो रहा है भोजन के रूप में, इसके अलावा दूध प्राप्त हो रहा है भोजन के रूप में, लेकिन भोजन के अलावे उससे खाल मिल रहा था, याद रखिएगा खाल, ओके। और इस खाल का वो प्रयोग किस में कर रहे होंगे, इस खाल का प्रयोग वो अपने वस्त्र के रूप में कर रहे होंगे। इसके अलावा आज हम लोग सभी जानते हैं जानवरों से ऊन मिलता है, लेकिन उस समय तो जानकारी थी नहीं, लेकिन फिर भी उस समय जो गोबर वगैरह था वो कहीं ना कहीं खाद का रूप करता था, तो वो खाद के रूप में भी यूज होता होगा। अब कहा जाता है कि आदि मानव ने ही पहिए का आविष्कार किया, अब किसने किया इसका कोई तो पूरा तरह से हमारे पास सबूत नहीं है, लेकिन आदि मानवों ने ही जो है पहिए का आविष्कार किया। तो कभी कभी आदि मानव पेड़ के गोल तने, तो आप देख सकते हैं पेड़ के गोल तने कुछ इस प्रकार से होता होगा, ओके, तो ये है पेड़ के गोल तने को किसी ढलान वाली भूमि पर लुढ़काते देखा होगा तो पहिया बनाने से प्रेरित हुआ होगा। तो इस प्रकार से जब उन्होंने ढलान वाला भूमि पर क्या किया, इसको लुढ़का दिया तो लुढ़क गया होगा, तो इस प्रकार से उनको लगा होगा क्यों ना हम इससे पहिया बना दिए। फिर धीरे धीरे वो लकड़ी के तख्ते को जोड़ करके उसे गोल आकृति बनाया होगा और इस प्रकार से पहिया बना होगा। अब इसका प्रयोग क्या होगा, तो कहा जाता है कि सबसे पहले प्रयोग मिट्टी के बर्तन बनाने, उस समय जो मिट्टी का बर्तन है जो कुम्हार इसका यूज करते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता होगा।
सूत काटने यानी धीरे धीरे वो कपड़ा बुनने के लिए सूत काटना पड़ेगा, तो उसमें पहिए का जो है उपयोग किया जाता था, इन सभी आदि कामों में किया जाता होगा। पहिए का आविष्कार कब हुआ, तो इतिहासकार कहते हैं कि पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था, नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हो चुका है। पहिए अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कुछ पहले पहिए इस प्रकार से होते होंगे, देख सकते हैं ये है पत्थरों के पहिए, फिर ये लकड़ी के पहिए जिनके चारों तरफ लोहा का जो है पट्टी लगा हुआ है, इसमें लोहे की पट्टी लगी हुई है, फिर ये भारी भरकम से थोड़े हल्के पहिए बनाए गए और बीच के जो लकड़ी है उसे ख़त्म किया गया लेकिन अभी भी इसमें लोहे की पट्टी है, फिर और आधुनिक तरीके से पहिया बनाया गया जिसमें रबड़ जो है रबर का प्रयोग किया गया, और फिर आप देख सकते हैं ये है अभी का पहिया। तो इस प्रकार से अलग अलग कालखंड में अलग अलग पहिए बनाए। अब यहाँ पर सवाल पूछा गया कि वर्तमान में पहिए का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो वर्तमान में पहिए का प्रयोग बहुत जगह पर होता है, जैसे कि आप गाड़ियों में तो देखे ही हैं, ट्रेन में भी देखे हैं, एरोप्लेन में भी देखे हैं, ये सभी वाहन में आ जाते हैं, तो वाहनों में तो है ही, वाहन का मतलब होता है परिवहन, इसे कह सकते हैं, परिवहन में तो बहुत ज़्यादा पहिए का प्रयोग होता है। लेकिन आपको पता है फैक्ट्रियों में भी जितना भी गोल आकृति है वह सभी पहियों की कैटेगरी में आएगा, तो फैक्ट्रियों में भी पहिए का उपयोग होता है। मेनली अगर देखा जाए तो फैक्ट्रियों के अलावा जो पानी वाले जहाज है वो भी परिवहन में आते हैं, उसमें भी आपको गोल गोल जो है कहीं ना गोल आकृति देखने को मिल जाएगा, तो उसको पहिए में उपयोग करते हैं। जैसे कि अगर आप गाड़ी का हैंडल देखते हैं वो भी क्या एक तरह का पहिया ही है, तो ये कहाँ गोल आकृति तभी बना, तभी तो हमको इस चीज़ का निर्माण कह सकते हैं बुद्धि आया। इसके अलावा फैक्ट्रियों में भी और परिवहन में इसका प्रयोग होता है, और कहीं अगर आपको लगता है पहिए का उपयोग होता है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब चूंकि पशुपालन हो चुका है, कृषि हो चुका है, लोग कृषि करने सीख चुके हैं और लोग पशुपालन करने सीख चुके हैं, तो वो अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों भटकेंगे, तब वो अस्थाई जीवन जीना शुरू कर दिए। अब वो अस्थाई जीवन की ओर जाना शुरू कर दिए। अस्थाई जीवन का मतलब क्या होता है, वो केवल एक ही जगह बस के रहने लगे। अब जब एक ही जगह बस के रहेंगे तो गाँव का निर्माण हो जाएगा। तो आइए आरंभिक गाँव के विषय में थोड़ा पढ़ते हैं, कृषि और पशुपालन तथा आग के प्रयोग, ठीक है। तो अब मनुष्य जो है आग का प्रयोग सीख चुका है, इससे पहले ही हम बता चुके हैं आग का प्रयोग चकमक पत्थर से हुआ करता था। तो अगर आप नहीं देखे हैं वो वाला वीडियो चकमक पत्थर क्या होता है तो जरूर देखिएगा पिछला वीडियो, जिसमें हमने बताया था कि मनुष्यों ने आग का खोज सीख लिया था। तो कृषि पशुपालन और आग के प्रयोग से मानव को अस्थायी जीवन के लिए प्रेरित किया गया। अब वो जगह जगह घर बना करके रहने लगे थे अपने झुंड के साथ, क्योंकि वो झुंड में रहते थे तो अपने सभी साथियों को साथ में रखते थे। उनके घर प्रायः मिट्टी के बने होते थे, क्योंकि उस समय उतना टेक्नोलॉजी था नहीं, ज्ञान तो था नहीं, तो केवल मिट्टी के घर बने होते थे। अब कुछ लोग मिट्टी के भी घर बनाने नहीं जानते थे, तो वो लोग क्या करते थे, केवल एक जमीन के अंदर गड्ढा कर देते थे और जमीन के अंदर ही घर बना लेते थे। अब इस जमीन के अंदर बने हुए घर को गर्तवास कहा जाता है, याद रखिएगा गर्तवास। तो गर्तवास किसे कहते हैं, तो जमीन के अंदर जो घर बनाया जाता है उसे हम गर्तवास कहते हैं। अब चूंकि जमीन के अंदर बनाया तो उसमें सीढ़ियां चाहिए, तो जी हाँ, नीचे घर के नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। तो दो जगह, एक है बुरजहोम और दूसरा जो जगह है वो गुफ कराल है, ये दोनों ही जम्मू कश्मीर में है। मैं आपको दोनों का दोनों मैप में दिखा दूंगा, ओके, आगे देखेंगे मैप में। तो बुरजहोम और गुफ कराल गर्तवास के साक्ष्य मिले हैं। साक्ष्य का मतलब होता है सबूत मिला है कि हाँ उस समय ऐसा कुछ गुफा वाला घर रहा होगा। अब ये दोनों कहाँ पर है देख सकते हैं, ये दोनों ही पूरा स्थल जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। थोड़ा सा एक चीज छूट गया था, आइए इसको कवर कर लेते हैं। इस वाले में क्या लिखा गया है, ठीक है, बसने की प्रक्रिया, तो कलर पहले चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बसने की प्रक्रिया लिखा गया है, लोगों के द्वारा एक जगह रहकर पौधे उगाने एवं जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया कहा जाता है। तो ये सवाल आपको, अगर ये सवाल है कि बसने प्रक्रिया क्या है, तो इसका जवाब है कि जब लोग क्या करते हैं, एक ही जगह पर रहते हैं, पौधों को उगाते हैं या तो जानवरों की देखभाल करते हैं, तो उसे बसने की प्रक्रिया कहते हैं। इस हेतु उगाए गए पौधे एवं पाले गए जानवर जंगली पौधों और जानवरों से भिन्न होते हैं, यानी कि जो भी पौधे हम उगाते हैं और जो जंगल में पाए जाते जानवर हैं उन दोनों में अंतर होता है। हमारे द्वारा पौधे उगाए गए और जंगल में पाए जाने वाले पौधे और हमारे द्वारा पाए जाने वाले जानवर और जो जंगलों में पाए जाने वाले जानवर हैं, जैसे कि आपने सुअर का नाम सुना होगा, फिर आपने जंगली सुअर का नाम सुना होगा, जंगली सुअर, फिर आपने कुत्ता जंगली कुत्ता, गाय जंगली गाय, भैंस जंगली भैंस। तो ये जंगली क्यों शब्द लगा रहा है, क्योंकि वो जंगल में पाया जाता है और हमारे वाले से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है।
पालतू जानवरों के दांत, जबड़े एवं सींग उनके जंगली नस्ल से छोटे होते हैं और इन चित्रों को देख करके बताएं कि कौन सा जंगली सुअर के दांत है एवं कौन सा पालतू सुअर के दांत है। तो जो छोटा वाला है वो पालतू का होगा, ओके, और जो बड़ा वाला वो किसका होगा, जंगली का होगा। तो जंगली जानवरों के जो सींग और दांत है वो बड़े बड़े होते हैं। बसने की प्रक्रिया कब से शुरू हुई है, आज से 12,000 वर्ष पहले ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी। तो याद रखिएगा, आज से 12,000 साल पहले ही बसने की शुरुआत हो चुकी है। तो ये आपको बता दिए कि ये दोनों पुरास्थल, कौन सा पुरास्थल, जो बुर्जहोम है और एक और था क्या, गुफा कराल, ठीक है, गुफ कराल था, दोनों ही हम आपको दिखा देते हैं फिर से एक बार। देख सकते हैं यहाँ पर बुर्जहोम और गुफ कराल लिखा गया, ठीक है, ये दोनों ही कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में मौजूद है और यहाँ पर हमें गर्तवास के सबूत मिले। यहाँ पर देख सकते हैं फोटो में गर्तवास दिखाया गया है, कुछ इस प्रकार से गड्ढे बनाए जाते थे और इसके अंदर रहा करते थे। गड्ढे क्यों बनाए जाते थे, गड्ढे बनाने का कारण है, गड्ढे बनाने से क्या होता है कि वो जंगली जानवरों से छुप सकते थे, उन्हें जंगली जानवर नहीं मार सकते थे और इस प्रकार से बरसात वगैरह में भी उन्हें थोड़ी राहत मिल जाती होगी। प्रायः उन लोगों का घर छोटा होता था, पहले तो ज़्यादा बड़ा नहीं होता था, केवल छोटे छोटे घर होते थे, लेकिन कहीं कहीं पर, ठीक है, कहीं कहीं पर बड़े घर भी देखने को मिलते हैं जिसमें चार या अधिक कमरे हुआ करते थे, जैसा कि मिला है एक मेहरगढ़ में। कौन सा क्षेत्र में मिला है, मेहरगढ़ में। अगर गांव की बात करें तो गांव बहुत ज़्यादा छोटे होते थे एवं झोपड़ियाँ एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नज़दीक बनाए जाते थे। अब नज़दीक बनाने का भी कारण है ताकि पास पास रहेंगे तो एक दूसरे की सहायता होगी। पुरातत्वविदों को इन घरों के अंदर एवं बाहर आग जलाने की जगह मिली है, यानी कि जो पुरातत्वविद थे जो इनको खोजते हैं, अंदर भी आग जलाने का काम हो रहा है और बाहर भी आग जलाने का काम हो रहा है। अंदर या बाहर खाना बनाते होंगे, इसीलिए अंदर और बाहर दोनों जगह क्या है, खाना बनाने के जगह मिले हैं, सॉरी आग जलाने के जगह मिले हैं, यहाँ पर लिखा है आग जलाने का जगह। तो अगर बाहर आग जला रहा है तो इसका मतलब बाहर खाना बनता होगा, और अगर अंदर खाना बना रहा है तो अंदर भी कह सकते हैं आग जला रहा होगा तो अंदर भी खाना बना रहा होगा। अब दो जगह खाना क्यों बना रहा है, तो ये मौसम के अनुसार हो सकता है, गर्मी के मौसम में घर के बाहर खाना बनाते होंगे और ठंडी के मौसम में घर के अंदर खाना बनाते होंगे। कई जगहों से पत्थरों के औजार मिले हैं, तो पत्थर के औजार से हम वाकिफ हैं, जानवरों का शिकार करने के लिए वो करते होंगे। औजार कौन से काल के हैं, पुरापाषाण काल के औजार की तुलना में अच्छे एवं तेज हैं, यानी कि जो पुरापाषाण काल है, पाषाण काल का तीन भागों में बांटा गया है और उसमें से जो सबसे पुराना वाला है जो लगभग 20 लाख साल से लेकर के कितने साल तक का है, ये 10,000 साल तक का समय है। इस समय से बहुत ज़्यादा नए औजार हैं और तेज हैं, चूँकि ये उससे बेहतर है इसलिए इसे नवपाषाण काल कहा जाता है। जैसे कि आप ये समझिए कि शुरुआत में जो मोटरसाइकिल आता था और आज का जो मोटरसाइकिल है, क्या उन दोनों में डिफरेंस है, बोलेंगे हाँ बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो जो शुरुआती वाला है वो पूरा पाषाण काल का हो जाएगा और अभी जो नया नया मॉडल आ रहा है वो नवपाषाण काल हो जाएगा। उसी प्रकार से जो पूरा पाषाण काल के औजार थे उसमें और नवपाषाण काल के औजार में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, तो इसलिए इतिहासकार ने इसे नवपाषाण काल कहा। इस काल में प्रमुख रूप से परस्तर, कुल्हाड़ी, बैठक, बसूली, बैठक मतलब होता है सब्जी काटने वाला जो हंसुआ होता है, बैठक, ठीक है, बसूली, खुरची, खुरची का यूज, खुरपी या खुरची कहते हैं, इसका यूज फसल को काटने या कह सकते हैं सही करने के लिए किया जाता है, काटने के लिए नहीं, मतलब कि जैसे फसल में खाद डाल रहे हैं तो हाथ से यूज करने वाला एक औजार होता है जिससे मिट्टी को उकेरा जाता है, कोड़ा जाता है और उसमें खाद डाला जाता है। बसूली टंगली का ही एक रूप है, बसूली। तो कहीं कहीं हड्डियों के बने औजार भी मिले हैं, तो कहीं पत्थरों के औजार और कहीं कहीं हड्डियों के। ओखली, मूसल का प्रयोग अनाज को पीसने या साफ करने के लिए होता होगा और ये सारे औजार भी हमें मिले हैं। अब जरा देखिए नवपाषाण काल, जो कि नवपाषाण काल हम लोग सीख चुके हैं, नवपाषाण काल थोड़ा बढ़िया वाला एज है, इसमें मानव कुछ कुछ चीजें सीख चुका है। तो ये जो नवपाषाण काल है इसमें लोग जनजातियों के रूप में रहते थे और कई पीढ़ियों से समूह में रहना सीख गए थे, यानी कि कई पीढ़ियों का मतलब ये पहले से ही समूह में रहना सीख चुके थे। इस काल में लोग मृद भांड का प्रयोग करते थे, मृद मतलब होता है मिट्टी और भांड का मतलब होता है बर्तन, तो मृद भांड का मतलब मिट्टी का बर्तन का प्रयोग किया करते थे और कभी कभी ये मिट्टी के बर्तन को सजाते भी थे, ऐसा नहीं कि ऐसे ही रख देते थे, इसको सजा सजा करके रखते थे। और मिट्टी का बर्तन का उपयोग क्या चीज़ में होता होगा, अनाजों का भंडारण करने के लिए, जी हाँ।
और बाद में बर्तनों का प्रयोग वो खाना बनाने के लिए भी करने लगे। शुरू शुरू में तो वो अनाज का भंडारण करते थे, यानी कि केवल अनाज उसमें रखते थे लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए, लेकिन धीरे धीरे उनको उनका प्रयोग वो खाना बनाने के लिए भी करने लगे। अब इस काल में श्रम विभाजन था। ये श्रम विभाजन क्या होता है आपको थोड़ा सा बता देते हैं। श्रम विभाजन का मतलब क्या होता है, जैसे खेती का काम कोई और कर रहा है, कुछ लोग क्या कर रहे हैं केवल खेती कर रहे हैं, तो खेती कर रहा है तो वो एक काम नहीं करेगा, पशुपालन का काम नहीं करेगा, दूसरा आदमी क्या करेगा पशुपालन का काम करेगा। कुछ लोग औजार बनाने का काम कर रहे हैं, कुछ लोग हथियार बनाने का काम कर रहे हैं। चूंकि सब झुंड में रह रहे हैं तो सभी एक ही काम में नहीं लगे हैं, उसमें से कुछ लोग औजार बना रहे हैं, कुछ लोग कृषि कर रहे हैं और कुछ लोग पशुपालन कर रहे हैं। इस प्रकार से अलग अलग लोगों को अलग अलग काम था और इसी व्यवस्था को हम लोग श्रम विभाजन कहते हैं। जो स्त्रियां थी वह घरों में मिट्टी के बर्तन बनाती थी, बच्चे घरों में सूखते हुए अनाजों, जो अनाज सूखने के लिए दिए गए होते हैं, अभी भी हम लोग छत में अनाज को सूखने देते हैं या तो रोड पे या कह सकते हैं कहीं भी हम लोग क्या करते हैं खेत खलियान में अनाज को सूखने के लिए देते हैं। अब अनाज को सूखने के लिए दीजिएगा तो जानवर आ जाएगा, पशु पक्षी आएगा उसको खाएगा, तो पशु पक्षी से सुरक्षा करते थे। तो सबका अलग अलग काम है, इसी को श्रम विभाजन कहते हैं। ये परिवर्तन सभी जगह देखने के लिए नहीं मिले, एक साथ नहीं हुआ था, ऐसा नहीं कि पूरे देश में एक ही साथ कृषि होने लगा था, एक ही साथ कह सकते हैं फसल उगाने लगा था, एक ही साथ पशुपालन करने लगा था, वैसा नहीं था, धीरे धीरे सभ्यता फैली थी। कहीं कहीं जो थी स्त्री एवं पुरुष अभी भी शिकारी का काम कर रहे हैं और खाद्य संग्रह का काम जारी रखे हुए हैं, और कहीं कहीं लोग कृषि सीख चुके हैं, पशुपालन को अपनाया, और कुछ जगह पर लोग मौसम के अनुसार अपनी जीविका क्या कर रहे हैं चलाते हैं। मौसम के अनुसार जीविका चलाने मतलब जिस मौसम में जो फसल उगेगा वो खा के वो गुजारा कर लेंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से पशुपालन हो रहा है और किस प्रकार से कृषि हो रहा है और किस प्रकार से लोग एक ही जगह रहने लगे। अब ये सारी चीजें केवल बोलने से नहीं होगा, आपको इसका सबूत देना पड़ेगा, जिसे हम पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं कि आखिरकार ये कहाँ घटित हुआ है और इसका स्थान क्या है, काल क्या है और कहाँ पर रहते होंगे। तो आइए देखते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप की अगर बात करें तो कई जगहों पर पुरातत्वविदों को कृषि के साक्ष्य मिले हैं, पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, सबूत मिले हैं, और जो लगभग बिहार में मौजूद है, झारखंड में मौजूद है और दक्षिण भारत में भी मौजूद है। अब क्या और कहाँ मिला जरा देखिए। जैसे कि सबसे पहला जगह है बुरजहोम, चिरांद, पय्यमपल्ली लिखा है, गुफकराल और कोल्डी हुआ। तो पहले मैं आपको सारे जो स्थान है वो दिखा देता हूँ मैप में। तो ये मैप में आ चुके हैं हम लोग। तो सबसे पहले बुरजहोम आपको दिखा देते हैं, बुरजहोम कहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो बुरजहोम है वो मौजूद है, जो जम्मू कश्मीर में है। चिरांद देख लेते हैं, चिरांद कहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ पर देख सकते हैं चिरांद मौजूद है, चिरांद जो है वो बिहार राज्य में अवस्थित है। पय्यमपल्ली कहाँ पर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर है पय्यमपल्ली, आंध्र प्रदेश में पय्यमपल्ली पड़ता है, पय्यमपल्ली नीचे लिखा हुआ है। गुफकराल कहाँ पर है, यहाँ पर है गुफकराल, देख सकते हैं ये रहा गुफकराल, गुफकराल जम्मू कश्मीर में ही मौजूद है। और लास्ट है कोल्डीहवा, तो कोल्डीहवा देख सकते हैं ये उत्तर प्रदेश में है, कोल्डीहवा यहाँ पर कोल्डीहवा लिखा है जो उत्तर प्रदेश में। एक और जगह हमारे मैप में आएगा और वह है मेहरगढ़, तो आप देख सकते हैं ये मेहरगढ़ पाकिस्तान में मौजूद है, पूरी तरह से पाकिस्तान में ही मेहरगढ़ अवस्थित है। तो उम्मीद है आप सारे स्थान देख लिए। अब आप देखते हैं बुरजहोम में क्या मिला। बुरजहोम में पत्थर के औजार मिले हैं, कुल्हाड़ी, बसूली, खुरची, बैदक, ये सारी चीज़ें मिला है। और इसके बाद पशु की बात करें तो भेड़ बकरी के हड्डियां मिला है, तो इससे पता चलता है वो भेड़ और बकरियों को पालते होंगे। जो गेहूं मटर के दाने मिले हैं तो इसका मतलब ये इनका खेती करने के लिए जानते हैं। चिरांद की बात करें जो बिहार में है, तो कुल्हाड़ी मिला है, सिबलपट मिला है, हड्डी के बनी छैनी मिला है, बाण मतलब तीर धनुष होता है, ठीक है, तीर धनुष और बाण मतलब तीर होता है, कुदाल मिला है, मृदभाण मतलब मिट्टी के बर्तन मिले। वही पय्यमपल्ली की बात करें तो यहाँ पर भी कुल्हाड़ी मिला है, मृदभाण मतलब मिट्टी के बर्तन, चना, मूंग, गाय, भैंस, सुअर, इन सभी आदि के साक्ष्य मिले। गुफकराल की अगर बात करें तो गेहूं एवं दलहन फसल मिला है, दलहन मतलब दाल वाली फसल होते हैं। सिलबट यहाँ पर भी मिला है, हड्डी की सुई मिलाते हैं, यानी कपड़ों को सीने का काम करते होंगे। कोल्डीहवा की अगर बात करें तो यहाँ पर चावल के साक्ष्य मिले हैं, घड़े यानी मटके के साक्ष्य मिले हैं और पत्थरों के औजार भी मिले हैं। तो ये कुछ स्थान है जहाँ से सबूत मिला है, जिससे हम कह सकते हैं कि हाँ आदि मानव का जीवन इस प्रकार से रहता होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे यहाँ पर झारखंड के बारे में दिया गया, ठीक है, तो थोड़ा झारखंड के बारे में आप देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें लिखा गया है। ओके सॉरी
थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं इसे। ओके, अब देखते हैं झारखंड के बारे में। तो झारखंड का जो सिंहभूम है, सिंहभूम जिला के अंतर्गत झारखंड में 24 जिले हैं, उसमें से ये सिंहभूम एक है, ठीक है। कई स्थानों से पुरातात्विक अन्वेषण के फलस्वरूप पाषाणकालीन पूरा अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिससे प्रतीत होता है कि मानव यानी कि जो मनुष्य है इस काल में भी इन क्षेत्रों में निवास करते थे, यानी पाषाण काल में भी मानव जो था वो झारखंड में रहते होंगे। सिंहभूम जिला के लोटा पहाड़ नामक स्थान से मध्य पाषाणकालीन खुरचनी, बेफनी, बेथक ये सारे प्राप्त हुए हैं। बारूडी संजय एवं सोनालाल के संगम पर स्थित है और यहाँ उत्खनन के फलस्वरूप नव पाषाणकालीन मृद भांड के टुकड़े मिले हैं, यानी मिट्टी के बर्तन मिले हैं, और वह भी किस काल के हैं, ये नव पाषाण काल के माने जाते हैं। तो मृद भांड के टुकड़े प्राप्त हुए हैं तथा प्रस्तर के कुल्हाड़ी मिले हैं, हथौड़ी प्राप्त हुए हैं। बारूडी से 3 किलोमीटर पूरब, यहाँ पर क्षेत्र का नाम है डुगनी, डुगनी से नव पाषाणकालीन कुल्हाड़ी मिले हैं और मृद भांड प्राप्त हुए हैं। अब आता है बोलगारा, बोलगारा के निकट एक जगह है जिसका नाम है बाणघाट, बाणघाट से नव पाषाण काल की 5 प्रस्तर कुल्हाड़ी मिला है, 4 वाले प्रस्तर मिला है और 1 प्रस्तर की थापी और काले रंग के मृद भांड प्राप्त हुए हैं। और इन पुरातत्व स्थलों का उत्खनन पुरातत्व निदेशालय द्वारा कराया गया है और इन स्थलों से प्राप्त पूरा अवशेष झारखंड के अतीत का प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं, यानी कि यहाँ से पता चलता है कि झारखंड के क्षेत्र में भी आदि मानव रहा करते होंगे। अब कुछ स्थान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे कि मेहरगढ़, और आपको मैप में हम दिखा चुके हैं कि मेहरगढ़ पूरी तरह से कहाँ पर स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है, जो वर्तमान पाकिस्तान में है, जो भारतीय उपमहाद्वीप का ही क्षेत्र है। और पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में एक जिला जिसका नाम है बलूचिस्तान, तो उसी में मौजूद है। यह बोलन नदी का नाम है, ठीक है। बोलन नदी के किनारे एक हरा भरा समतल स्थल है, यहाँ खेती के प्रमाण मिले हैं। अब खेती के प्रमाण मिले हैं तो क्या क्या यहाँ खेती होता था, तो यहाँ पर गेहूं की खेती होती थी एवं जौ के अवशेष मिले हैं, गेहूं और जौ के अवशेष। पशुपालन के प्रमाण के रूप में यहाँ पर भेड़ का साक्ष्य मिला है, बकरी के जीवाश्म मिले हैं। पत्थरों के कुल्हाड़ी, छेनी, चक्की, हड्डियों से बने हुए औजार, यानी औजार भी मिला है। तो यहाँ पर खेती का भी प्रमाण मिला है, पशुपालन का भी प्रमाण मिला है और औजार के भी प्रमाण मिले हैं, एवं जो हड्डियों के औजार के साथ साथ हड्डियों की सुई भी मिला है एवं मृद भांडों के भी अवशेष मिले हैं, मिट्टी के बर्तन। मेहरगढ़ से प्राचीनतम बस्ती एवं इसके अलावा मेहरगढ़ जो है वो प्राचीनतम बस्ती एवं इसके अलावा कच्चे घरों के चौकोर, चौकोर का मतलब होता है ये चौकोर, ये है चौकोर, चकूट वाला, ठीक है, आयताकार अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या अधिक कमरे होते थे, यानी कि उस समय कमरे भी बड़े हो रहे थे मेहरगढ़ में। इन कमरों का प्रयोग किस लिए होता होगा, तो अनाजों को भंडारण करने के लिए किया जाता होगा। और ये घर ईंट एवं मिट्टी के बने थे, यानी कि ये थोड़े से सभ्य हो चुके थे, थोड़ी जानकारी ये जुटा चुके थे, इसलिए इनके घर या तो ईंट के थे या तो किसके थे, मिट्टी के थे। मेहरगढ़ में लोग संगठित ग्रामीण जीवन व्यतीत करते थे, संगठित का मतलब होता है सभी कोई मिल करके रहते थे, लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं और सबको अपना अपना कार्य करते थे। यहाँ कई कब्रों से जानवरों की हड्डियों एवं सामानों के अवशेष प्राप्त हुए, यानी जो कब्र खोदा गया मानव का, तो मानव के साथ साथ जानवरों की भी हड्डी मिले, यानी कि मानव के साथ साथ जानवरों को भी दफनाया जाता होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर सामान मिले, सामान का मतलब उस आदमी से जुड़ा हुआ जो भी सामान था उस सामान को उसके साथ दफनाया जाता होगा। इससे यही प्रमाण होता है कि मेहरगढ़ में मृतकों को उसके पालतू जानवरों एवं खाने पीने की चीजों के साथ दफनाया जाता था। कहा जा सकता है कि वो ऐसा मानते थे कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, तभी तो वो सारा सामान दे रहे हैं, तो वो सोचते होंगे कि मरने के बाद भी इनको इसका जरूरत होता होगा। अगला है कोलडीहवा, कोलडीहवा दिखा चुके हैं। कोलडीहवा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। बेलन घाटी का एक विस्तृत पूरा स्थल है, यानी कि जो बेलन घाटी अभी आपको दिखाएं, बेलन घाटी कहाँ पर, मेहरगढ़ में है, उसी का विस्तृत है, उसी का एक फैला हुआ रूप है। औजार के रूप में यहाँ भी अच्छी तरह से चमकाए गए कुल्हाड़ी मिले हैं, चक्कियाँ मिली है, चक्कियों से आटा वगैरह पिसा जाता होगा। यहाँ गाय के साक्ष्य मिले हैं, भेड़ के साक्ष्य मिले हैं, बकरी और हिरन के भी जीवाश्म देखने को मिले हैं। इससे पता चलता है कि लोग यहाँ पर भी क्या करते थे, पशुपालन करते थे। तो क्या वो खेती नहीं करते थे, हाँ, खेती के भी प्रमाण मिले हैं, जैसे कि वहाँ चावल का प्रमाण मिला। तो कोलडीहवा से क्या चीज़ का प्रमाण मिला है, चावल का प्रमाण मिला है।
संभवतः यह विश्व का सबसे पहला स्थान था जहां चावल की खेती की शुरुआत हुई थी। तो ये माना जाता है कि विश्व का सबसे पहला स्थान जहां पर चावल की खेती होती होगी वो कौन सा है, कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश। तो इस प्रकार से ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया। यहाँ पर इस पूरे चैप्टर में मैंने आपको अलग अलग चीजें बताया, जैसे कि पशुपालन कैसे हुआ, पशुपालन किन स्थानों में हुआ और कौन से काल में हुआ, और कृषि की शुरुआत किस प्रकार से हुई, किस काल में हुआ और इसके क्या साक्ष्य हैं। अब आइए, क्वेश्चन आंसर बहुत जरूरी है समझना, ताकि हम समझ सके कि चैप्टर पूरा समझ में आया है या नहीं आया। तो देखिए, किसान को फार्मर्स कहते हैं और चरवाहा को क्या कहते हैं, हेड्समैन कहते हैं या तो शेपर्ड्स कहते हैं। गर्तवास पीट हाउस कहते हैं, कुल्हाड़ी को एक्स कहते हैं, नवपाषाण नियोलिथ, गांव को विलेज कहते हैं, मृदभांड क्ले पोट कहते हैं, जीवाश्म को फॉसिल्स कहते हैं। ये अंग्रेजी शब्द लिखे गए हैं। सवाल देखते हैं। सवाल, आदि मानव ने सर्वप्रथम किसको पालतू बनाया? तो सर्वप्रथम कुत्ता को पालतू बनाया। बुर्जोहम कहां पर है? बुर्जोहम जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। डैश में चावल की खेती का अवशेष मिला है कहां पर? कोल्डिहवा में चावल की खेती के अवशेष मिले हैं। गड्ढे के नीचे बने घर को गर्तवास कहा जाता है। सिंभूम के लोटा पहाड़ पर डैश कालीन औजार मिले हैं, नवपाषाण कालीन औजार मिले हैं, और डैश संजय एवं सोनालाल के संगम पर स्थित है। तो ये वाला देख लेते हैं एक बार, झारखंड से रिलेटेड है ये वाला। तो कौन संगम में स्थित है? तो ये देखिए, बोलगारा नहीं है, और सॉरी कौन सा था, संगम कहाँ चला गया, ये रहा बारूडी। बारूडी जो है वह संजय एवं सोनालाल के संगम, संजय और सोनालाल ये नदी का नाम है, ठीक है, ये जहां पर मिलेगा वहां पर है बारूडी, ठीक है। तो बारूडी जो है इनके संगम पर स्थित है, तो बारूडी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आता है टीक लगाने वाला सवाल जवाब। अखेटक संग्रह झुंड में रहा करते थे, जी हाँ ये सही जवाब है, तो इसमें टिक लग जाएगा। कृषि की शुरुआत पुरापाषाण काल में हुई थी, तो कृषि की शुरुआत जो है पुरापाषाण काल में नहीं बल्कि नवपाषाण काल में हुआ था, तो ये गलत लिखा गया है। चिरांद बिहार में स्थित है, जी हाँ चिरांद बिहार में स्थित है। मेहरगढ़ में चार या अधिक कमरों के घर के अवशेष मिले हैं, तो हाँ ये भी सही है, तो इसमें एक ही गलत था, बाकी सब सही था। किसान एक स्थान पर क्यों रहा करते थे? तो किसान एक स्थान पर इसलिए रहा करते थे क्योंकि उन्हें अपने फसलों को देखना पड़ता था, अगर वो छोड़ के चले जाते तो उन फसलों को बहुत सारे जानवर खा जाते। पशुपालन से आदि मानव को क्या लाभ हुआ? पशुपालन से उनको चलते फिरते जानवरों के मांस मिल गए, चलते फिरते जानवरों के भोजन प्राप्त हो गए, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। बसने की प्रक्रिया से पालतू जानवरों को क्या परिवर्तन आया? बसने की प्रक्रिया से पालतू जानवरों को अब एक ही जगह रखा जाने लगा, अब उन्हें एक जगह से दूसरे जगह जाने की कोई भी फालतू काम करने का जरूरत नहीं था। पुरातत्वविद कैसे पता करते हैं कि कोई स्थल पूरा स्थल है? तो इसके लिए कार्बन डेटिंग पद्धति का प्रयोग किया जाता है। फिर लिखा है बानाघाट से नवपाषाण कालीन के कौन कौन से औजार मिले हैं? तो इसमें कुल्हाड़ी वगैरह मिला है और जो है हड्डी के कुछ औजार मिले हैं, तो ये हम लोग को देख के भी लिख सकते हैं। खत्म हो गया। और यहाँ पर हम लोग को मैप में भी दिखाने के लिए बोल रहा है, जैसे कि आपको बोल रहा है बारूडी दिखाने के लिए। बुर्जोहम तो जम्मू कश्मीर में है, चिरांद बिहार में है, यहाँ पर चिरांद दिखा दिए। कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में यहाँ पर है। मेहरगढ़ यहाँ पर है बिहार में। बारूडी जो है वह झारखंड में अवस्थित है, तो यहाँ पर कहीं झारखंड है तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बारूडी मिल जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने ये भी आपको करा दिया। तो यहाँ पर अपना वीडियो जो है वो समाप्त होता है। उम्मीद है आपको सारे टॉपिक्स बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है तो आप हमें ज़रूर सवाल कीजिएगा। और एक और चैनल है मेरा, अभी क्लासेस डाउट्स, और वहाँ पर मैं क्वेश्चन आंसर्स वीडियो अपलोड करता हूँ। तो अगर आपको क्वेश्चन आंसर अलग से चाहिए लिखा हुआ तो सब्सक्राइब कीजिए अभी क्लासेस डाउट्स को सर्च करके, और मिलिए हमसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।